अष्टांग अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगांगों की अनुष्ठान करने से अशुद्धि का तब तक क्षय होता रहता है जब तक कि विवेक ख्याति नहीं हो जाती, यथार्थ बोध नहीं हो जाता, निर्भ्रांत ज्ञान जब तक नहीं हो जाता, पूर्ण प्रकाश जब तक नहीं हो जाता, तब तक साधक के ज्ञान की, संवेदनाओं की, कर्मों की, आचरण की शुद्धि होती रहती है। अशुभ का क्षय होता रहता है, शुभ का उदय होता रहता है। इसी को शास्त्र में दूसरी तरह से कहा, तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्येय। और इस योगांग अनुष्ठान में यम नियमों का पालन करते हुए जब हम आसन में बैठ करके सरसुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः सिद्धासन, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, ये सिद्धासन बहुत सहज है जिसमें सब बैठ सकते हैं। सिद्धासन सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके स्थिर स्थिरता पूर्वक, सुखम सुखपूर्वक, स्थिर सुखम आसन या आसन, प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को शिथिल कर दे, अनंत समापत्तिभ्यम अनंत ब्रह्म के प्रति समापत्ति माने एक रूपता, समाहितता, तल्लीनता, तद्रूपता, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जो अनंत ज्ञान का, अनंत प्रेम का, अनंत सामर्थ्य का, अनंत ऐश्वर्य का, अनंत सुख शांति और आनंद का मूल स्रोत है, उस अनंत असीम अथाह अपरिमित ब्रह्म के साथ एकात्मता, समाहितता, समापत्ति, ब्रह्म ही, भगवान ही सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं, सब सामर्थ्य का मूल आधार है, उस सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के साथ हम समाहित तो हो जाए, ये आसन की स्थिति है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः, फिर कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई अंतर द्वंद्व नहीं रहता, और इस संसार की जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं
वो हमें दुख नहीं दे पाते। फिर हम प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करते हुए साधना में पूरी तरह, योग में पूरी तरह प्रतिष्ठित अवस्थित हो जाते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर के ओंकार का उच्चारण करते हैं। स्वः तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राणायाम के, ध्यान के, साधना काल के, योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। लंबा गहरा श्वास पर बाहर छोड़ा। यथा शक्ति यथा सामर्थ्य यथेष्ट अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। जो रोगी हैं वो सामान्य गति से करें, जो निरोगी हैं वो मध्यम गति से करें, और जो योगी हैं, जो युवा हैं, बलवान हैं, ऊर्जावान हैं, वे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये सामान्य गति हुई।
ये मध्यम गति हुई। ऐसे लगभग 5 मिनट तक निरंतरता के साथ में, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण वेग के साथ, तीव्र संवेग के साथ में जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तीव्र संवेग ज्ञान का मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, ज्ञान का तीव्र संवेग, संवेदनाओं का तीव्र संवेग या कर्म का तीव्र संवेग, ये तीन ही बड़े सामर्थ्य हमारे पास में, एक ज्ञान का सामर्थ्य, दूसरा भावनाओं का सामर्थ्य और तीसरा कर्म का सामर्थ्य। इनका संवेग पराकाष्ठा अतिरेक होता है तब भगवान की तत्क्षण अनुभूति होती है, तत्क्षण उसी क्षण। ज्ञान का अतिरेक संवेदना माने प्रेम, समर्पण, भक्ति, श्रद्धा का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का, सेवा का अतिरेक। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सामान्य गति रोगियों के लिए, मध्यम गति निरोगियों के लिए और तीव्र गति जो पूर्ण योगी हैं, पूर्ण युवा हैं, पूर्ण ऊर्जावान हैं, पूर्ण रूप से बलवान हैं, वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये सामान्य गति हुई कपालभाति की। ये मध्यम गति और ऐसे तीव्र संवेग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे करते रहेंगे। हमारे व्यक्तित्व का, अस्तित्व का एक हिस्सा है शरीर। इस शरीर को समग्रता से जब समझते हैं तो इसमें है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। शरीर से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, अंतःकरण चतुष्टय से, आत्मा से, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण साधन हैं आत्मा के, और साध्य है हमारा अपनी निजता, अपना स्वरूप, अपना मूल स्वभाव, अपनी मूल प्रकृति, अपना मूल अधिष्ठान। अपनी निजता से अभिप्राय है, अपने मूल स्वरूप से, मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति से अभिप्राय है। जो आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानमय है, प्रेममय है, सुखमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, ऐश्वर्यमय है, उस अपने स्वरूप
में हम प्रतिष्ठित रहें और अपने इस मूल स्वरूप में, मूल स्वभाव में, मूल प्रकृति में, अपने इस अनंत ज्ञान में, अनंत प्रेम में, अनंत सामर्थ्य में, अनंत ऐश्वर्य में, अनंत सुख, अनंत अथाह असीम शांति में प्रतिष्ठित रहते हुए जो अपने लिए विहित कर्म है उनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, पूर्ण पुरुषार्थ से निष्पादित करना, ये जीवन है। ऐसे जीवन को समग्रता पूर्वक समझे, ऐसे योग अध्यात्म को समग्रता पूर्वक समझे, ऐसे अपने अस्तित्व को समग्रता पूर्वक अनुभव करे। कपाल भाती लय के साथ करते रहे। अष्टांग योग के पालन से हठ योग की, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की, या एक वाक्य में कहें तो संपूर्ण योग की सिद्धि हो जाती है। अष्टांग योग को ही शास्त्रों में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग को ही राजयोग कहा गया है। अष्टांग योग में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, सारे योग समाहित है। शब्दांतर से अष्टांग योग को ही राजयोग कहा गया है। शब्द का भेद है मात्र, तात्पर्य एक ही है। उर्दू में बोले तो जुबान का भेद है। शब्द भिन्न भिन्न है, तात्पर्य ध्येय एक ही है। लैंग्वेज और वर्ड्स के भेद होने से, भाषा और शब्दों के भेद होने से तत्व का भेद नहीं हो जाता। पानी के अनेक नाम हैं, मनुष्य को ही अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को, परमात्मा को, इस पूरे अस्तित्व को भी अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति और वस्तुओं से जुड़ा हुआ ये पूरा अस्तित्व, इसके छोटे बड़े घटक, और उन वस्तुओं और व्यक्तियों से निर्मित भिन्न भिन्न परिस्थितियां, उनको अनेक नामों से कह दिया जाता है। लय के साथ करते रहे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पूर्वक हम समाहित हो जाते हैं अपने स्वरूप में, ये योग है। अब इस योग को, इस योग की जो स्थिति है उसको अनेक शब्दों में, जैसे जैसे हमारी चित्त की अवस्था बनती जाती है उस अवस्था को भिन्न भिन्न नामों से कहा। कपाल भाती लय के साथ करते रहे और योग की मुख्य रूप से जो तीन स्थितियां हैं, योग के मुख्य रूप से जो तीन चरण हैं,
तीन सोपान हैं, थ्री स्टेप्स हैं, तीन सीढ़ियां हैं, तीन चरण हैं, थ्री स्टेजेस हैं, तीन अवस्थाएं हैं, उनको अनुभव करें। प्रथम चरण में हम ओंकार या गायत्री आदि मंत्रों का आश्रय लेकर के उनकी अर्थ भावना पूर्वक भगवान में प्रतिष्ठित होते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। ओंकार या गायत्री आदि मंत्रों का आश्रय लेकर के अर्थ भावना पूर्वक भगवान में प्रतिष्ठित हो जाना, भगवान के एकत्व में समाहित हो जाना, तल्लीन हो जाना, तद्रूप हो जाना, एक रूप हो जाना। अब इसको भाव समाधि कहें, इसको सहज समाधि कहें, संकल्प समाधि कहें, जो भी नाम दे हम, जिस शब्द से, जिस नाम से हम सत्य से जुड़ जाए, वो शब्द, वो नाम, वो भाव हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। ये प्रथम चरण हुआ ओंकार या गायत्री आदि मंत्रों का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए जो शब्द, सब शब्द, सब मंत्रों का, जीव जगत का, जड़ चेतन का, व्यष्टि समष्टि का, पिंड ब्रह्मांड का आश्रय है, आधार है, उस भगवान के साथ एकत्व स्थापित करने के लिए चित्त वृत्ति निरोध के लिए, आत्मबोध के लिए, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप पंच क्लिष्ट वृत्तियां और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश, इनसे उत्पन्न होने वाले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों का जो विस्तार है, अशुभ का जो विस्तार है, उसको शब्द दे दिए जाते हैं, इनके पार चले जाते हैं। ये प्रथम चरण हुआ। ओम का आश्रय लिया, ओम माने सर्वरक्षक, ओम माने सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा, ओंकार। ओम माने अंतर से, हृदय से जब हमने स्वीकार कर लिया कि परमात्मा ही सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, हृदयेश्वर है, प्राणेश्वर है, जगदीश्वर है, सर्वेश्वर है, तो फिर भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हैं, भगवान को ही सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं का, सब सामर्थ्य का, सब ऐश्वर्य का, सब सुख शांति आनंद का, सर्वस्व का, सर्वस्व का आधार मान करके स्वीकार करके उसमें समाहित होकर
तो प्रथम चरण में हमने ओंकार और गायत्री आदि का आश्रय लिया, और फिर जब ये भाव गहरा प्रतिष्ठित हो गया, यही दूसरा चरण है। इसको भाव समाधि, विचार समाधि, सहज समाधि, जो भी हम नाम दें, ये स्थिति बन जाती। कुछ क्षणों के लिए हम भगवान के साथ पूरे समाहित हो जाते हैं, भगवान की स्तुति माने भगवान की महिमा को स्वीकार करते करते उससे प्रीति हो जाना। प्रार्थना मात्र जब भगवान को सर्वस्व स्वीकार कर लिया तो एहसास हुआ कि जो कुछ मुझ में है, ज्ञान, संवेदनाएं, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, गुण, सामर्थ्य, सबका आधार भगवान है, तो फिर निराभिमानिता आती है, अहंकार शून्य हो जाते हैं और भगवान की उपासना घटित हो जाती है। भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में लीन हो जाते हैं।